एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमेशा से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, एक ऐसे व्यक्ति जिनके रोल और कैरेक्टर के कारण लोगों में लॉकडाउन के वक्त भी बड़ा उत्साह था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली अरुण गोयल की। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। हम सब ने टीवी पर बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं देखी हैं, लेकिन रामानंद सागर की रामायण के लिए लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह है, उतनी ही जितनी 90 के दशक में थी। इनकी रामायण ने एक समय पर इतनी लोकप्रियता हासिल की है जिससे लोग भावुक हो जाते थे और टीवी के सामने अगरबत्ती और माला चढ़ाने लगते थे। और इसमें हर एक किरदार का रोल निभाने वाले एक्टर ने लोगों को बड़ा आकर्षित किया है। और इन्हीं में से एक नाम आता है भगवान श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोयल का। रामायण के भगवान राम के किरदार से फेमस हुए अरुण गोयल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आखिर अरुण गोयल की कुल संपत्ति कितनी है, जिसको जानकर आप एकदम हैरान होने वाले हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अरुण गोयल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक इंडियन एक्टर और प्रोड्यूसर है। इन्होंने इंजीनियरिंग साइंस की फील्ड में अपनी एजुकेशन पूरी करी थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है। और साथ ही में इन्होंने उस टाइम कुछ प्लेज में भी एक्टिंग करी थी जब ये कॉलेज में थे। इन्होंने अपनी टीनेज लाइफ शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में गुजारी है। उनके पिताजी चाहते थे कि अरुण एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने, लेकिन अरुण को ऐसा कुछ बनना था जिसे लोग हमेशा याद रखें। इन्होंने हिंदी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, उड़िया और तेलुगु फिल्मों में भी एक्टिंग की है। और सबसे ज्यादा नेम और फेम इन्हें रामानंद सागर की हिट सीरीज रामायण में भगवान राम जी का रोल प्ले करने के बाद मिला था, जो कि ईयर 1987 में रिलीज हुई थी। ईयर 1957 में अरुण गोयल मुंबई आ गए थे और अपने भाई का बिजनेस ज्वाइन किया। थोड़े टाइम बाद उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि उन्हें इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग करने का डिसाइड किया। गोयल की पहली डेब्यू फिल्म थी पहेली, जो कि ईयर 1977 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर तरन चंद बरजत्या इनकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हो गए थे कि अरुण को इन्होंने तीन और फिल्म्स के लिए साइन किया। कनक मिश्रा की सावन को आने दो, विजय कपूर की राधा और सीता और सत्येन बोस की सांच को आज नहीं, और ये तीनों ही ईयर 1979 में रिलीज हुई थी। राधा और सीता बॉक्स ऑफिस फेलियर थी, लेकिन बाकी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट थी। और तो और सावन को आने दो से इनको काफी स्टारडम मिला। इसके बाद इनको फीचर किया गया 1981 की कनक मिश्रा की जियो तो ऐसे जियो में। इन्होंने कई और फेमस मूवीज में काम किया है, जैसे कि इतनी सी बार, श्रद्धांजलि, गुमसुम, ससुराल, हिम्मत वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रामानंद सागर ने इन्हें सबसे पहले टेलीविजन सीरीज विक्रम और बेताल में आज विक्रम आदित्य कास्ट किया था, और उसके बाद रामायण में लॉर्ड राम का रोल दिया था। भगवान राम का कैरेक्टर प्ले करने के बाद इन्हें इतना सारा फेम मिला कि इसके बाद इन्हें और टीवी सीरीज जो कि रिलीजियस बेस्ड थी उसमें रोल प्ले किया, जैसे कि विश्वामित्रा में हरिश्चंद्र जी का रोल और बुद्धा में बुद्धा जी का रोल। इनको एक बहुत ही ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। इनको ना एक शो होस्ट करना था जो भगवान राम के ऊपर था, जहां जहां राम चरण चली जाही नाम से। और तो और ईयर 1992 में इन्होंने माइथोलॉजिकल इंडो जापानीज एनिमेटेड मूवी रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के हिंदी वर्जन में अपनी वॉइस भी दी थी एज राम। रामायण सीरियल करने के बाद इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और खुद का प्रोडक्शन हाउस और टीवी कंपनी खोली। लेकिन अगर बात करें इनकी कुल संपत्ति के बारे में, तो रामायण में भगवान राम का किरदार से प्रसिद्ध हुए अरुण गोयल की कुल संपत्ति 35 करोड़ से ज्यादा है। ये उस समय अपने केवल एक एपिसोड के लिए 70,000 रुपए फीस लेते थे। और तो और रामायण में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार थे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो इनके अलावा इनके टोटल 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। इनके बड़े भाई की शादी तबस्सुम से हुई है, जो कि एक फॉर्मर चाइल्ड एक्ट्रेस है और दूरदर्शन के फर्स्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले गुलशन गुलशन की होस्ट भी। अरुण गोयल की शादी हुई है एक्ट्रेस श्रीलेखा से और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
तो ये थी जानकारी अरुण गोविल और उनकी कुल संपत्ति के बारे में। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।